जी, घर में जो सबसे चीज़ क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रह गई थी वो जो पर्दे थे, ये मैंने क्योंकि मैं यही था कि वॉश करके इनको लगाऊंगी। और ये देखें जी, इधर तो लग गए, और इधर सीएस देखें जी सामने राजा साहब लगा रहे हैं। और हाँ जी, तो क्योंकि ऐसा पंखा बंद ही करते हैं, ये ना हो कि मेरे सर में आके लग जाए। तो क्या कहते हैं, इतनी हाइट मेरी नहीं है पंखे के बराबर, लेकिन हाथ लग सकते हैं। नहीं, मैं करती हूँ जल्दी से। अच्छा, तो बच्चे भी बस जी। हाँ, प्ले स्टेशन तुम ऊपर चढ़ गई हो। हाँ जी, तो ये देखें जी सामने पर्दों का काम हो रहा है, जो मैंने रह गया था। राजा साहब पर्दे लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना खूबसूरत। ये देखें, ये वाले सिंपल हैं एक कलर में, इनका भी प्रिंट बहुत प्यारा है। और ये जो सामने वाले, इनका भी प्रिंट देखें कितनी अच्छी मैचिंग हुई है। बीच में अभी शो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लाइट जो है ना, जिस तरह के दीवारों का कलर है ना, वैसा ही सेम जो कलर है ना, वो इसके अंदर भी अभी आप देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, इसी तरह ये दीवार के साथ ही मैच होते हैं। देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? तो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये देखें, ये हमारी मॉर्निंग हो गई, और ये देखें हमारा बेबी बैठा हुआ है। तो ये देखें हमारा बेबी, छोटा छुपी वाला जो बेबी बैठा हुआ है बेबी है। तो और आज मैंने जी बिल्कुल इनके लिए अंडे पराठे नहीं बनाए, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप बिलीव करें जी बिल्कुल इनको खाए। ये देखिए मेरा आज की सर्दी लगी है, क्योंकि आज हुई है जी, आज भी और कल भी, आपको पता है कल भी बारिश हुई थी, आज दोबारा बारिश हुई है। तो सिर्फ मैंने ये आप देख रहे हैं एग बॉयल किए, और ये देखें केक रस, और ये हैं बकरखानियाँ, और इसके साथ जी मेरा आज नाश्ता कर रहा है। और ब्रेड वगैरह तो इसकी मैंने कहा घर में जो है इंशाल्लाह, और आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत, बारिश कल भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा हुई माशाल्लाह, रात के टाइम हुई है बारिश। आप देख रहे हैं बादल बने हुए हैं, कितना खूबसूरत वेदर है। और फर्श वगैरह भी देख रहे हैं हम गीले, तो बड़ा खूबसूरत सा इन्वायरमेंट हो गया। ये शांजे की बोतल है पानी वाली, ये शांजे का बैग है। अच्छा, तुम चेंज कर लो। अलीना अपनी बोतल गुम कर रही है स्कूल में, फिर इसको मैंने ये जो है ना पेप्सी वाली बोतल। अच्छा तुम ले रही। अच्छा, ये जी ये शांजे का देखिए कितना प्यारा छोटा सा है लंच बॉक्स, और ये है अलीना का, और ये है मिराज का, और ये मिराज की बोतल। स्कूल चले गए, लेकिन अभी राजा साहब नाश्ता कर रहे हैं, देसी घी और अंडा से, और मैं साथ बैठी थी। मैंने अभी खाना खा लिया है, वैसे भी बस थोड़ी सी चाय पीनी है। और ये मिराज ने गेम के चक्कर में टीवी उठा के नीचे लगा दी हुई, आप देख रहे हैं। तो आप बिलीव करें आज इतना खूबसूरत वेदर हुई, आप देखिए अल्लाह के सुबह के 9 बजे का टाइम है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मगरिब हुई है। तो माशाल्लाह जी मौसम अब उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा हमारे सिटी का, क्योंकि कहते ना एक बारिश से अब ये वाला जो एंडिंग टाइम होता है फिर स्टार्ट हो जाती है ना ठंड। तो बड़ा खूबसूरत सा, बच्चे स्कूल चले गए, मैं भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। छत पे जाने का दिल कर रहा है, लेकिन ये है कि अभी मूड भी नहीं है थोड़ा सा, वो कह रहे सीढ़ियाँ चढ़ने का। तो अभी बस मैं जी बैठ के मैं और राजा साहब चाय इन्जॉय करेंगे। राजा साहब बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो ये राजा साहब जी खाना खा रहे हैं। कैसे हैं राजा साहब, आप ठीक हैं? आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं है, मैं भी चाय ले लूँ। बोले ना, टाइम पे लिफ्ट नहीं होती जी। अच्छा, तो किस टाइम होती है? खाना खा रहे हैं, लिफ्ट की लिफ्ट है। लिफ्ट ही करवानी है। तो ये बताएं बारिशें, आप मतलब कल से आप बारिश देख रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? लेकिन सोचिए बच्चे भी इसमें होते हैं कि यार बारिश है छुट्टी कर रहे हैं। तुम्हारे दिल में था बच्चों को छुट्टी करवानी? मेरे दिल में भी एक दफा आया जब छोटे होते ना, तो बारिश का बहाना होता है। हाँ, कसम से यही बात है, मेरे दिल में भी आया आगे कि बारिश है तो छुट्टी करवा लें। फिर मैंने कहा क्या करेंगे बच्चे, सारा दिन सोते रहेंगे बस, तो बेहतर है इनको स्कूल ही भेजें। वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो हम कितने अच्छे देखें माँ बाप हैं। ये देखें जी फ़लस्तीन में इतना क्या कहते जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और बड़ा यकीन करें दिल दुखता है फ़लस्तीन के बारे में जब भी हम सोचते हैं,
और वही बात है कि यहाँ बैठ के हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इन सब की जो है ना मुसलमान हमारे बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये देख रहे हैं आप, गजा से निकल जाए बड़ी बस अजीब सी कंडीशन हो गई है। राजा साहब देखिए बाहर कितना प्यारा मौसम है आज का। जी जी बिल्कुल अच्छा मौसम है। अमजद क्या मूड है, कहीं चले हम? कहाँ चले, घर के काम छोड़ के कहाँ चले? हेलो आप कैसी बातें कर रहे हैं आज अमजद, आपका मूड तो ठीक है ना? मूड मेरा बारिश ने बड़ा फ्रेश कर दिया है। अच्छा, ये जो सर्दी लगी है मैं भीगा हूँ बारिश में, तो मेरा दिल कर रहा है कि घर से बिल्कुल बाहर ना निकलो आज। लेकिन मेरा तो दिल कर रहा है कि बाहर जाने का, देखिए कितना प्यारा बाहर मज़े का वेदर हुआ हुआ है। तो जी आज इतनी मज़े की बारिश हुई है और ये देखें जी राजा साहब जो है मेरे काबू में नहीं आ रहे। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि चलें कहीं घूमने चलते हैं, ज़रा इंजॉय करते हैं, क्यों राजा साहब? ये तो पता नहीं फोन सर्दी लग गई। हाँ जी तो वेदर तो भाई अभी ये पर्दा पीछे करें, जरा पर्दा पीछे करें, ये देख रहे हैं जी बाहर का वेदर ऐसे लगता है अंधेरा पड़ा हुआ। हालांकि अभी ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हुआ है अभी। तो ये जी बारिश का जैसे कि आपको बताया मौसम था, तो मेरी बहुत ही प्यारी मेरी एक दोस्त आई है, तो आज ही मैं उनके साथ डिस्कशन करूँगी वेट पर, क्योंकि उन्होंने वेट बड़ा लूज़ किया है। तो अमजद आपका क्या ख्याल है, इन्होंने वाकई ये आपको याद है ना ये नौमी पहले कितनी मोटी होती थी? अच्छा नौमी तुमने इतना ज्यादा वेट कैसे लूज किया, कोई टिप्स इसको भी बताओ। ये मैं सुबह पहले तो सर्दी हो या गर्मी हो बिस्तर जो है ना मैंने छोड़ना होता है। अच्छा। और सुबह वॉक करनी होती है, उसके बाद चिकने वाली सारी चीजें, और जब मेरे सामने बिरयाने भी आ जाती थी तो मैं उसको साइड पे रख देती थी। अमजद आपको क्या मतलब, मैं मोटी हूँ? कुछ मोटी है तो नहीं, लेकिन लगती है। मुझे आप बिल्कुल स्मार्ट सी हो जाए ताकि वो हवा चले और आप खिले। अच्छा ढूंढेंगे यही है बाजी में, हम इसके साथ धागा बांध के रखे देख रहे हैं जी आप मेरे व्यूअर्स। ये अमजद जो है ना आज मेरे साथ बिगाड़ के बैठे हुए, ना मुझे बाहर लेके जा रहे हैं और उल्टा मुझे मोटी भी बोल रही है, तो बहुत गलत बात है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है। मोटी वो नहीं, मोटी वो मोटी वाली बोला, मैंने कहा जरा स्मार्ट मतलब अपने आप को चुस्त रखो, थोड़ा सा हिलो जुलो, जैसे देखो ना आपकी सिस्टर जो है, आपकी फ्रेंड जो है कितनी स्मार्ट है। हाँ। तो इनसे कुछ सीखे। हाँ तो ये है, वैसे मेरी फ्रेंड ने वो बहुत ज्यादा वेट लूज किया, जैसे कि अभी 2 साल बाद मैं वापस आई, मैं एक किस को हैरान हो गई हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम डेली रूटीन में क्या करती थी सुबह से शाम तक, तुमने क्या चेंजेस लाए? वाटर पीती थी ज्यादा, और जो है ना अंडे खाती थी। क्या खाती थी? अंडे वगैरह खाती थी। अंडे खाने से वेट लूज होता है? हाँ, उसमें सर्दी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, ये चीजें, वाटर ज्यादा पीती थी। अच्छा, और गर्म चीजें जो है बहुत कम यूज करती थी, चिकनाई वाली भी। अच्छा, और एक्सरसाइज सुबह वॉक करती थी, और यही थी मेरी रूटीन। तो और क्या करती थी आप? मैं जिम भी जो है मैंने किया हुआ था, जिम जाना नहीं आपके लिए होगा, चीजें छोड़नी भी होगी, ये ना अमजद भाई के पैसे बस आप लगाए। हाँ देखे, ये बड़ी अच्छी बात गई आप। इसीलिए देखे कैसे बोले आपके भाई। तो ये है कि जिम जो है ना मेरा भी बड़ा दिल करता है, पता नहीं राजा साहब हम मानेंगे कि नहीं। राजा साहब क्या आपकी राय है? मैं कहता हूँ कि अगर आप सुबह उठ के ईमानदारी से घर के काम करें ना, तो ये समझ लें कि आप जिम से। अच्छा, ईमानदारी से क्या मुराद है? वैसे मैं बेईमानी से करती हूं। नहीं, ईमानदारी से मतलब ये है कि कोई काम छोड़े ना, मतलब सारे लगातार करती रहे। अच्छा, तो आप यकीन मानिए आप जिम से ज्यादा जो है ना घर के काम काज करने में स्मार्ट हो जाएंगे। सही सही, चलें जी, ये देखिए इन्होंने तो बात ही दिल खत्म कर दी। हां भाई आप तो अभी वो क्या कहती है अपने भाई की तरफदारी आपने स्टार्ट कर दी है, आपने मेरी वोट डालनी थी। नहीं नहीं, मैं तो राइट पे हूँ, भाई की बात मुझे ठीक लगी है। हाँ, अगर आप इन पे अमल करें तो आप स्मार्ट हो जाएगी। हाँ जी, देखें जी, तो व्यूअर्स आपने लाजमी बताना है कि इनकी बातें कहाँ तक ठीक हैं, और क्या वाकई मैं बहुत मोटी हूँ कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बहुत प्यारा मौसम, और ये देख रहे हैं आप मेरी फ्रेंड की मस्तियाँ, ये छत पे हम आई हुई है,
और इंजॉय करने के लिए। और ये देखें जी, मैंने कहा जीटी रोड का भी देखो, इधर जीटी रोड पे कितना देखो प्यारा लग रहा है। तो ये देखें जी, ये जीटी रोड गुजर रहा है और अभी हम छत पे हैं। और ये जो है ना मेरी फ्रेंड, इसको बड़ा नहाने का जो है ना दिल कर रहा है, और ये बार बार जो है आप देख रहे हैं, मैं इसको फिर पकड़ रही हूँ कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये फिर भाग भाग के जा रही है। तो यार अब क्या करें, हम जो तो जान छुड़ा के भाग गए, मैं सोच रही हूँ कैसे हम इंजॉय करें। वैसे इतने प्यारे मौसम में जाना नहीं चाहिए था आपके साथ। असल में तुम थी ना, वो कह रहे थे कि आप तुम दोनों दोस्तें आपस में गपे शपे लगाओ और जो है ना मैं जो है ना अपने फ्रेंड्स को मिलाऊं। हाँ तो अब यार हम तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो यही इंटरटेनमेंट थी कि हम बस छत पे आ जाएं, छत पे इंजॉय करें। तो और तुम सुनाओ फिर क्या होना चाहिए आज? अभी तो पकौड़े बनने चाहिए। अच्छा, और मुझसे भी कोई नाराज है, मैं भी बोर हो रही थी इसलिए मैं आपके पास आ गई। हाँ देखें जी, चले अच्छा किया आपने, देखे इतना अच्छा हमारा अब टाइम स्पेंड होगा। तो चल की चाय बनाते हैं, कोई पकौड़े शोड़े बनाते हैं और कोई अच्छी सी साथ मूवी लगाएंगे। हाँ जी, तो फिर जी हम भी अपने दोनों दोस्त हैं जो है ना बड़ा एंजॉय करेंगे। कोई नहीं, राजा साहब छोड़ गए तो कोई नहीं, हम कौन सा बोर हो रहे हैं। राजा साहब को कितना मिस कर रही है अभी इस टाइम? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर रही मैं मिस बिल्कुल नहीं कर रही इसलिए क्योंकि देखिए आप आई हुई हैं तो आपके साथ जो वो एक है ना कंपनी वाला, अच्छी कंपनी। हाँ और देखें अभी गप शप लगाएंगी तो वो पुरानी यादें जो हमारी अपनी हैं वो हम ताज़ा करेंगे, जो हमारा पुराना टाइम इकट्ठे गुजरा है। तो ये आप देख रहे हैं जी, इतनी बारिश लगी हुई है, मज़े की, और मैं ज़्यादा खुश हो गई हूँ, मेरी दोस्त भी आई है। तो यकीन करें इतना प्यारा वेदर भी है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी हम जी फिर ये है कि अभी मैं नीचे जा रही हूँ, ज़रा क्या कहते हैं कोई खाने पीने का करते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं आपको, पकौड़े खा के हमने गर्म भी होना है। हाँ ये भी है इस सर्दी को दूर करना है अपनी को। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।